हेलो यूट्यूब। सो आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन आप सभी लोगों को मालूम है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन है कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन प्रोटीन लेना कब है हमें ताकि जो है हमारी बॉडी उसको कम्प्लीटली अब्जॉर्व कर ले, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला टाइम जो प्रोटीन लेने का है वो है एग्जैक्टली आफ्टर वर्कआउट। जी हाँ, वर्कआउट के बाद जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपके मसल्स को जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि वियर एंड टियर हुआ होता है मसल, ठीक है, टूटा होता है, तो उसको जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसको बढ़ने के लिए। सो आफ्टर वर्कआउट अगर आप प्रोटीन लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपका प्रोटीन जो है अब्सॉर्ब करेगी बॉडी। उसके बाद जो अगला टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, आप जो है प्रोटीन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें जो है शाम को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, शाम को 7 बजे के बाद प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए, हमें डाइजेस्ट नहीं होता प्रोटीन अच्छे से, ये वो। सो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है। अगर आप सपोज आप दिन में 6 से 8 घंटे भूखे रहें, बिना प्रोटीन के रहें, तो आपकी बॉडी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। वही चीज़ हम रात को भी होती है, रात को भी हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आप 6 से 8 घंटे रात को सोते हैं बिना किसी प्रोटीन के या बिना अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दिए, तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप सोच के देखिए। सो रात को अगर आप सोने से पहले प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं या कुछ भी सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद 6 से लेके 8 घंटे का टाइम होगा उस प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने के लिए। तीसरा टाइम जो मैं आपको बताऊंगा वो है सुबह जब आप सो के उठते हैं उसी समय। क्यों? उसका रीजन भी सेम ही है, क्योंकि आपकी बॉडी 6 से लेके 8 घंटे तक जब आप सो रहे थे तो आपकी बॉडी जो है प्रोटीन से या न्यूट्रिशन से जो थी, बिना किसी प्रोटीन से या बिना किसी न्यूट्रिशन के बैठी हुई थी आपकी बॉडी, तो उसको जैसे किसी बंदे को कार्विंग होती है, तो आपकी बॉडी को भी एकदम से नीड होती है उस समय प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की। तो आप उठ के सुबह उठते साथ जो है आधे घंटे बाद प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये 3 टाइम थे, आफ्टर जिम या आफ्टर वर्कआउट, सोने से पहले और उठते साथ, सुबह उठते साथ जो है आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये 3 टाइम थे जो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया टाइम है। आप एक बार इनको ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई फर्क जो है अपनी बॉडी में दिखेगा ही दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है।